ये नया साल शुभ हो जीवन में, क्या बात है, प्रेम सद्भाव उपजे जन जन में, भूल कर बीते साल की भूले, प्यार ही प्यार बढ़े उपवन में, प्यार ही प्यार बढ़े उपवन में। हमारे देश की जो स्थिति है वो एक गीत के माध्यम से आपके समक्ष आ रही है, स्वागत। जहाँ गली गली में नेता घूमे बनकर एक लुटेरा, मैं भारत देश मेरा, मैं भारत देश मेरा। और क्या स्थिति है देश की, कि जहाँ पढ़ लिखना पे सड़क, अंगूठा छाप चलाते शासन, जहाँ साधु चक्की जेल में पीसे गुंडों को सिंहासन, क्या बात है, गुंडों को सिंहासन। और जहाँ आस्तीन में सांप छिपाए वो खादी पहन सपेरा, वह भारत देश मेरा। जहाँ गली गली में नेता घूमे बनकर एक लुटेरा, वह भारत देश मेरा। कि जहाँ सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क समझ नहीं आती, और जहाँ किया बुलाए बिन दहेज के जिंदा ही जल जाती, जिंदा ही जल जाती। और जहाँ डाकू का जंगल के बदले है समाज में डेरा, भारत वह भारत देश मेरा। और अंतिम स्पर्श देखिए, कि जहाँ बांध सड़क पुल कफन यूरिया बिना डकार बचाते, जहाँ पेट फाड़ कर वैद्य डॉक्टर किडनी को खा जाते, किडनी को खा जाते। और जहाँ काम चोर मस्ती मारे और भूखा मरे कमेरा, भारत देश मेरा, भारत देश मेरा। आदमी और जानवर में बेसिक क्या फर्क है जी? शेर शेरनी से नहीं डरता, शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं सिर्फ शादी करता है। एक सरकारी सीन देखी आलपिन में, बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं, एकदम गधे हैं। छोटा बोला, ठीक कहते हैं सर, आप उससे बड़े हैं। बीवी एक तो जीने नहीं देती, बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। बहुत बढ़िया। कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, पुरानी कहावत। थोड़ा आगे बढ़ाया मैंने, हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है और असफल के पीछे दूसरी का। मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, यार बकरा ईद कब है? वो बोला, जब आ जाओ। चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। हाय हाय, बिल बना सकता है, बहुत अच्छे, क्या बात है। नौजवान प्रेमियों, प्रेम वेम के चक्कर में मत पड़ो, शादी नहीं हुई तो बर्बाद हो जाओगे और अगर हो गई तो हो ही जाओगे। पागलों के बारे में लोग कहते हैं, पागल को कैजुअल लेते हैं लोग, पागलों के बारे में छोटी सी आलपिन सुनो, सुनो 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 सुनाइए। कितने पागल हैं हम लोग जो पागलों को पागल समझते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रदीप जी। कितने पागल हैं हम लोग जो पागलों को पागल समझते हैं, पागलों से पूछिए, वो हमें कुछ नहीं समझते। डॉक्टर के कहने पर मैंने नमक छोड़ दिया, इस जरा सी बात ने मेरे नमक का दिल तोड़ दिया। हाय हाय, क्या बात है। एक दिन लंच पर मेरे कान में बोला, क्यों बे नमक हराम। इस देश में बहुत कुछ है मगर ये जो कुछ है यही काम का है, बहुत तो बस नाम का है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं अंग्रेजी में जी, और आप देखते हैं लोकसभा का सीन की वहाँ पर कितना शोर शराबा होता रहता है और उसके आगे क्या होता है।
एक बेचारा स्पीकर जिसके मुकाबले 540 लाउड स्पीकर। बहुत बढ़िया। आराम हराम है बड़ा किसी का बहुत बड़ा नारा है जी। जरा सा बात को आगे बढ़ाया है अल्पिन ने। आराम हराम है लेकिन देखता हूँ कि हराम में बड़ा आराम है। वाह 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 बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है। चूड़ी सुहाग का प्रतीक माना जाता है। छोटी सी बात भी है, इस अल्पिन ने क्यों जन्म लिया, इस कविता ने क्यों जन्म लिया। मेरे घर में कमलाबाई नाम की एक बाई काम करती थी तो वो कांच की बहुत सारी चूड़ियां पहनती थी यहाँ से यहाँ तक दोनों हाथों में। दिन भर वो चूड़ियां खनखनाती रहती थी और मेरे दिमाग में झनझन आती रहती थी। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि कमला से कहना कि वो चूड़ियां कम करके आया करे, दो चूड़ी से भी काम चल सकता है। तो मेरी पत्नी मुझ पर गुर्राई, बोले क्या कहते हो, उसका सुहाग उतरवाओगे। तब ये आलपिन हुई। सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है, फिर इतनी सारी चूड़ियां, आखिर औरतें कितना सुहाग चाहती हैं। कुछ शेर भी ऐसे बन जाते जी, हैं जी। शेर जरूर सुनाइए साहब। जिनमें आलपिन वाली बात होती है सुनाए। बुढ़ापे ने कुछ ऐसे पांव फैलाए हैं शैलेश। हाँ। बुढ़ापे ने कुछ ऐसे पांव फैलाए हैं चौबे, न मैं बिस्तर से उठता हूँ न बिस्तर मुझसे उठता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। हंसी मजाक की व्यंग की गजल है जी। बड़ी सामान्य परंपरा एक दूसरे को ढूंढने की, खासकर हमारे देश में, तो बात कहने की कोशिश की है। शेर मुलाजा फरमाइए कि आपको ढोना है जिनको आप ढोएंगे जरूर। आपको ढोना है जिनको आप ढोएंगे जरूर और अपनी रूह की पहचान खोएंगे जरूर। क्या बात है, वाह वाह। आप हेलीकॉप्टर से बाढ़ का आनंद लें, नेताजी से कह रहे हैं। आप हेलीकॉप्टर से आप हेलीकॉप्टर से बाढ़ का आनंद लें, वरना जिस कश्ती में बैठेंगे डुबोएंगे जरूर। क्या बात है, वाह 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 बहुत अच्छे। आपको है नींद न आने की बीमारी मगर आपको है नींद न आने की बीमारी मगर आपको पहरे पे बिठला दें तो सोएंगे जरूर। क्या बात है भाई, वाह वाह बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, कभी कभी मेजोरिटी होती है, पार्टी को बड़ा समर्थन मिलता है। बहुत अधिक समर्थन देना, किसी का बहुत अधिक समर्थन करना खतरे से खाली भी नहीं होता। आपने मेजोरिटी दे दी उन्हें दिल खोल कर, बहुमत समर्थन आपने मेजोरिटी दे दी उन्हें दिल खोल कर, आप अपने सर पे रख के हाथ रोएंगे जरूर। क्या बात है भाई, वाह 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 बहुत अच्छा। ये आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि जिंदगी कितनी कठिन है, संकल्प कितना काम कर देते हैं, कल इसी चट्टान से निकलेंगे फूलों के हुजूम। क्या मिसरा है, वाह। हुजूम माने फूल ही फूल निकलेंगे बगीचे के बगीचे। कल इसी चट्टान से निकलेंगे फूलों के हुजूम, हम यहाँ अपना पसीना आज बोएंगे जरूर। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा, बताइए चौबे जी, वोटों और जूतों में क्या फर्क है जी। हमने कहा प्यारे लाल, वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं।